दिल से आवाज बोलू एक जब भी आप गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बह रही है सीरियसली जी लेकिन हमरा कुछ हाथ ना ही कह है। रही हैं आप ऊपर वाले ने पहले बड़ी फुर्सत से बनाया आपको टाइम लिया लंबा पॉज दिया उसके बाद सारे आप में जो गुण हैं उन कलाओं से नवाज दिया आपको <laughs> मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको यू आर अ सुपर हॉट वुमन अथा मतलब मतलब ये कि आप सर्वगुण संपन्न है भाभी जी एंड यू आर हॉट टू अथा अंकुधा अंकुबरभूति जी मतलब भाभी जी एक बात आपसे कहनी थी अब जुर्म मत कीजिएगा कोई डियर लेकिन हम जुर्म काहे करेंगे आप मुझसे वादा कीजिए भाभी जी कि आप कोई जुर्म नहीं करेंगे क्योंकि हर जुर्म की सजा सजाए मौत ही होती है लेकिन हम जुर्म करेंगे हमको का जरूरत है जुर्म करने का बस भाभी जी यही पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है भाभी भाभी जी जी कि आपको आपको जुर्म जुर्म नहीं नहीं करना करना है बस आपको जुर्म नहीं करना है जी। <laughs> बात करते ना अमरीका जो समझ ही ना आता है सच्ची विभूति भैया कह रहे हैं कि इनको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है हम का बोल रहे हैं सक्सेना जी की कह दीजिए किसी से की कि हमको खलील लोगो ऐसी बात नहीं करना है भैया भाई माँ कह रही है कि आप जैसे खलील लोगों से बात नहीं करनी है इनको आप वो जलील कहना चाह रही है <laughs> जी, आप अपने मुंह से <laughs> भाई माँ शायद आप जलील कहना चाह रही है ऐसे ही पकड़े हैं तो अम्मा को फोन करके ना तनी तो को हलवाई का नंबर ले लेना हमको कछु नाई करना है और एक तो बात साफ साफ सुन लीजिए हाँ हमको कोनो एनी ब्लूबेरी भी ना मनाना है एनी ब्लूबेरी एनिवर्सरी तो नहीं कहना चाह रही कहीं ऐसे ही पकड़ा है अम्मा ने जो है काम काम वो एनिवर्सरी का ठीकरा हमारे सर फोड़ दिया सर पाँच छह लाख रुपए घुस जाएंगे सारी तिजोरिया खाली हो जाएंगी आज हुआ अनुभर्सरी भी तो आ, आपका ही है ना एनिवर्सरी बोलना तो ठीक से सीख लोड़े हमारी इज्जत की धज्जिया और कितनी उड़ाओगी उड़ता रहता है ऐसा है अगर एक बार इज्जत के शीशे पर बदनामी की धूल जमा हो जाती है ना तो उसे मिटाया नहीं जा सकता वो धूल को मिटाया नहीं जा सकता लेकिन उसके बदले दूसरा आईना लगा कर तो लगाया जा सकता है ना अरे तुम्हें जो करना सक्रो तुमसे बात मत करो सुने अगर मुझे किसी जिन या भूत ने पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे पांक। कुछ नहीं भाई बहन के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना आँख बंद करके क्यों बैठे हो बड़े फूफा छोटे फूफा होते हैं हाँ मेरे तो बड़े फूफा भी हैं, छोटे फूफा भी हैं, मजले फूफा भी हैं। और बड़े मौसिया छोटे मौसिया वो भी होते हैं ना हाँ होते हैं पूछ क्यों रहे हो नहीं जब बड़े फूफा छोटे फूफा छोटे मौसिया बड़े मौसिया हो सकते हैं तो छोटी पत्नी बड़ी पत्नी मजली पत्नी ये भी तो हो सकती है ना